हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बागा चेठालाल की दुकान से चोरी करके जा चुका है। ऐसा सच चेठालाल को बागा के ऊपर हो रहा है। लेकिन गाइस, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हकीकत कुछ और ही है, बागा कभी चोरी कर ही नहीं सकता है। और जब इस बारे में चेठालाल ने अपने परम मित्र तारक मेहता से बात की, तारक मेहता और नट्टू काका के सुझाव पर चेठालाल ने पुलिस कंप्लेन करने की सोची है। और चेठालाल की दुकान में मिस्टर चालू पांडे हर चोर की तहकीकात करने के लिए आ चुके हैं, ताकि बागा नाम का चोर जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन गाइस, जैसा कि अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया है कि बागा बैंड वालों के साथ दुकान के बाहर एंट्री करता है, और उस समय पर बागा काफी खुश होता है, जैसे कि इस समय दुकान में कुछ हुआ ही ना हो। सो गाइस, अब बागा जश्न आकर किस चीज का मना रहा है और वो बैंड वालों को लेकर क्यों आया है? सो गाइस, इसमें एक पॉसिबिलिटी भी आती है कि जो बागा दुकान का सामान लेके गया है, यानी कि वो जिसके डिलीवरी देने के लिए है, वहाँ से उसे अच्छा खासा पेमेंट मिल चुका है, और अब उसे ऐसी पूरी उम्मीद हो कि जो पेमेंट उसे मिला है उसमें जेठालाल काफी खुश हो जाएगा और उसमें से वो 5 लाख रुपए बागा को लोन के तौर पर दे देगा। और गाइस, यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि हो सकता है बागा दुकान में ताला लगा के चला गया हो और उसके 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कहीं और से कर लिया हो, और इस समय वो जेठालाल को ये बताने के लिए आया हो कि उसने 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया है और 5 लाख रुपए में उसे वो चीज मिल चुकी जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए थे। और इस बीच उसने जेठालाल को फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि जेठालाल ने बागा को बाबरी की कसम दी थी। सो गाइस, ये सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है जो ये दिखा रही है कि बागा इसीलिए जश्न मना रहा हो। और गाइस, सीधी बात, बागा का चेहरा देख के लगता है कि बागा ने कोई अच्छा काम ही किया जिसमें कि जेठालाल भी खुश होने वाला है, इसीलिए बागा बैंड वालों को अपने साथ दुकान में लेके आया हुआ है। सो गाइस, क्या आपको भी ये दो पॉसिबिलिटी लगती है? सो गाइस, आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें। बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।